야, 왜 멀쩡한 애는 아프냐? 한번 갈게. 아? तो हेलो कुनिगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो तुम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अब स्पेशल क्यों होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते टाइम किसी भी मार्क्समैन गन का यूज करते हो, मार्क्समैन गन के अंदर आती है आप लोगों की SKS, SVD, SVD बाई, वुडपिकर और AC-80। और अगर आप लोग इन चार गन में से कोई भी एक गन चलाते हो, आप में से चार गन में से एक ना एक गन तो फेवरेट होगी। अगर आप लोग की चार गन में से कोई भी एक फेवरेट नहीं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन गन का यूज करना सीख जाओगे और आप लोग इन गन को चलाओगे। तो देखो, जब भी आप लोग फ्री फायर के अंदर कोई भी गन चलाते हैं, तो उस टाइम पर उस गन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो होता है उसका बेनिफिट और दूसरा होता है उसका प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्क्समैन गन चलाते टाइम आप लोगों के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। और जो तीसरा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है मार्क्समैन गन का टिप्स एंड ट्रिक्स, आप लोग इन गन का यूज किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनकी प्रॉब्लम की, तो इन गन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, वो होता है इनका गन रिकॉइल। जब भी आप लोग कोई भी मार्क्समैन गन का यूज करोगे, तो उस टाइम पर इन गन का रिकॉल परसेंटेज जो होता है वो ज्यादा होता है, इन गन की एक्यूरेसी ना के बराबर होती है। तो ये तो हुई गन की प्रॉब्लम के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं मार्क्समैन जो गन होती है उनकी पावर क्या क्या होती है। तो देखो, अगर आप लोग के पास कोई भी मार्क्समैन गन है, तो आप लोग उससे तीन या चार गोली में ही बंदे को डाउन कर सकते हो, क्योंकि उनका जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान चलो कि अगर आप लोग BR खेल रहे हो या फिर CS खेल रहे हो, उस टाइम पे अगर आप लोग के हाथ में वुडपिकर है, SVD है, फिर SKS है, फिर AC-80 कोई भी गन है, तो उनका जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप लोग अगर सामने वाले बंदे पे एक दो फायर करोगे, तो उसमें शायद बंदा डाउन हो जाएगा। अगर आप लोग इसे बन टैप मारोगे, तो इससे बहुत ही इजी तरीके से बन टैप पड़ते हैं और इजी तरीके से हेडशॉट पड़ते हैं। तो आप लोग इन गन का यूज बन टैप के लिए भी कर सकते हैं, हेडशॉट के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो बॉडी शॉट से भी बंदे को मार सकते हो। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं कि आप लोग इन गन का यूज किस तरीके से कर सकते हो, जो इनका गन का रिकॉल होता है उसे आप लोग किस तरीके से कम कर सकते हो, साथ में आप लोग किसी भी बंदे को इजी तरीके से बन टैप और इजी तरीके से हेडशॉट किस तरीके से मार सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, पर कोई भी चीज आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊं, उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे तुम सभी से वापस से बोल रहा हूँ कि मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1.5 मिलियन फैमिली के हम बहुत ज्यादा करीब है, तो आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि यार, एक वो होता है ना कि आप लोग जो सपोर्ट करते हो, तो हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो, आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, तो आप लोगों को सिंपली उस रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस करना और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि आप लोगों को इसी मंथ हमारी 1.5 मिलियन फैमिली कंप्लीट करवानी है। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाओगे। तो चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की सीक्रेट हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को भी ओनली और रेड नंबर मानने हैं। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं कि आप लोग इन गन का जो रिकॉल है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। सबसे पहले तो आप लोग ये प्यारा सा फूल पकड़ो और ये दोनों ID देख लो, ये दोनों ID मेरी है, ठीक है। जैसे ही मेरे 2 मिलियन फैमिली कंप्लीट होगी, तो मैं आपको एक ID गिव अवे में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों ID से नहीं खेल पाता हूँ, सिर्फ एक ही ID से खेलता हूँ। इन चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में बताऊंगा मैं कि ये किस तरीके से गिव अवे में आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे, फिर किस तरीके से एक ID ले पाओगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग अपनी गन का रिकॉल किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है और आप लोगों को आना है कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर। जैसे ही आप लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक कैरेक्टर यूज करना है, उस कैरेक्टर का नाम है DB कैरेक्टर। ये एक पैसिव कैरेक्टर है और इसको आप लोग गोल्ड में भी परचेस कर सकते हो। अब ये जो DB कैरेक्टर है, इसकी एबिलिटी एकदम खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते टाइम जॉयस्टिक का यूज करोगे, जो कि आप में से 90% बंदे करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग की जो गन की एक्यूरेसी होती है उसको काफी हद तक इंक्रीज कर देगा और साथ में आप लोगों की मूवमेंट स्पीड को भी काफी हद तक बढ़ा देगा। अब फ्री फायर के अंदर अगर आप लोग के पास एक्यूरेसी होती है और साथ में अगर आप
आप लोगों के पास मूवमेंट स्पीड भी होती है तो आप लोगों के सामने वाले बंदे को इजी पीजी ही वन टैप पड़ेंगे। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा इसे इजी वे में समझाता हूँ कि आप लोग किस तरीके से वन टैप मारना और किस तरीके से ट्रिक वर्क करती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्लिप लगा दी, ठीक है। इस क्लिप को मैंने पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे कि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो, जैसे अगर आप लोगों ने डीबी कैरेक्टर लगा रखा है तो उस टाइम पर आप लोग किधर की साइड भी जॉयस्टिक का यूज करोगे। जैसे अगर आप लोग जॉयस्टिक को इस तरीके से राइट साइड की तरफ खींचोगे या फिर लेफ्ट साइड की तरफ खींचोगे या फिर ऊपर खींचोगे या फिर नीचे खींचोगे, कहीं पर भी जॉयस्टिक का यूज करोगे, उस टाइम पर अगर आप लोग सामने वाले बंदे पे फायर करोगे तो आप लोग की जो गन रिकॉल खाती है वो ना के बराबर तो रिकॉल खाएगी, साथ में आप लोगों की जॉयस्टिक खींचते टाइम जो मूवमेंट स्पीड स्लो होती है वो भी स्लो नहीं होगी, क्योंकि आप लोग मूवमेंट के साथ बंदे को मार सकते हो। जैसे मैंने अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा खींचा और सामने वाले बंदे के डायरेक्शन में फायर कर दिया, मेरा इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि फ्री फायर के अंदर मार्क्समैन गन के अंदर ही ट्रिक वर्क करती है। आप लोग फ्री फायर के अंदर चाहे कोई भी गन का यूज कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि मेरी गन रिकॉल खा रही है तो उस टाइम पर आप लोग को हल्का सा अपनी जॉयस्टिक को खींचना और एनिमी के डायरेक्शन में फायर कर देना। ये नहीं करना कि आप लोग अपनी जॉयस्टिक को लेके भागे जा रहे हो तो उस टाइम पर आप लोग सामने वाला बंदा ये बोलेगा कि नूब हो तुम, वन टैप तो मार सकते हो, हेडशॉट भी मार सकते हो, लेकिन आप लोग की मूवमेंट स्पीड पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको सिंपल से कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करने, हल्का सा जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींचना या फिर लेफ्ट साइड की तरफ खींचना और एनिमी के डायरेक्शन में तुरंत तुरंत ही फायर कर देना, आप लोग का इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। तो ये तो गया आप लोग के पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क्समैन वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो यहाँ पर जो मैं सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान समझना है। तो देखो, आप लोग जब कोई भी गन चलाते हो तो उस टाइम पे 90% बंदे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एक ही गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि आप लोग किसी भी सामने वाले बंदे पे नॉन स्टॉप फायर करते होंगे। आप लोग अपनी गन को तब तक नहीं रोकते जब तक वो रिलोड पे ना आ जाए। नॉन स्टॉप फायर करने पे होता क्या है कि अगर आप लोग किसी भी सामने वाले बंदे पे नॉन स्टॉप फायर करोगे तो उस टाइम पे आप लोग की गन के रिकॉल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को कभी भी किसी भी बंदे पर किसी भी गन से नॉन स्टॉप फायर नहीं करना है। आवाज से आपको करना क्या है कि जब भी आप लोग किसी बंदे पर फायर करो तो आप लोग को सिंपली एक फायर करना है, उसके बाद आप लोग को एक सेकंड के लिए या फिर पलक झपकने तक के टाइम के लिए रुकना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को वापस से फायर कर देना है। आप लोग की गन ना के बराबर रिकॉल खाएगी और आप लोग के इजी पीजी वन टैप पड़ेंगे। और जैसा कि आप लोग मेरे किसी भी गेम प्ले में देख लेना कि जब भी मैं किसी बंदे को वन टैप मारता हूं तो उस टाइम पर मैं सिर्फ एक ही फायर करता हूं, देन उसके बाद मैं अपनी गन को स्विच कर लेता हूं या फिर मैं अपनी गन को रिलोड पर लगा देता हूं या फिर मैं अपनी गन को बिल्कुल हाथ में से हटा देता हूं। अब अगर आप लोग ये काम भी नहीं करना चाहते तो उस टाइम पर आप लोग एक काम और कर लेना कि आप लोग ये फायर करो, ग्लू बॉल लगा लेंगे, आप लोग को एक सेकंड के टाइम के लिए रुकना ही रुकना है। उसके बाद आप लोग देखना कि आप लोगों के नेक्स्ट लेवल के तो वन टैप पड़ेंगे, नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ेंगे। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप अप करते हैं ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो विद प्रूफ के साथ फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड लेना तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। तो उस वीडियो को जाके पूरी की पूरी देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं देखो तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि 1.5 मिलियन फैमिली आप लोगों को इसी मंथ कंप्लीट करवानी है। तो भाई अगर हो सके तो आज आपको अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना भी के लिए। बाय बाय।